नमस्कार संत कृपा परिवार में फरीते आपनું स्वागत करू छु। आज આપણે ધોરણ 4 ની અંદર નવો ટોપિક માં જઈ રહ્યા છે એની અંદર છે આપણે કહાની લેખન જોવાનો છે। આપણે ઓફલાઈન ની અંદર આપણે જોઈએ છે કહાની, પણ મુદ્દા ઉપરથી કઈ રીતે વાર્તા બનાવી શકાય, તમને મુદ્દા આપેલા હોય તો એના ઉપરથી તમારે કઈ રીતે વાર્તા છે લંબાવીને આપણે લખી શકીએ આજે ખાસ જોવાનું છે। તમને જો બોર્ડ ઉપર મેં આપેલું છે અહીંયા વાર્તાના મુદ્દાઓ આપેલા છે, नोटबुक लखवा चालू करने प्यासा कौवा एटले बधाने खबर होवी जोईए केवो कागड़ो तरस्यो कागड़ो नी वार्ता अहींया कहेवामां आवी। तो एक कौवा था, तमे स्टार्टिंग क्यांथी करी शको, कागड़ो छे एटले आपणे त्यांथी प्यासा कौवा, तो एक क्या था, एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी, प्यासा कौवा है तो एक बार उसे खूब क्या लगी थी, प्यास, प्यास यानी कि तरस लगी थी। उसके बाद क्या लिखा है, पानी के लिए इधर उधर भटकना, तो उसको जब प्यास लगी तो वो पानी के लिए इधर उधर आते हैं भटकते हो, तो उसे पानी की बहुत तलाश की पर पानी कहाँ मिला नहीं। आगे देखो, घड़े में पानी देखा, आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास गया। जब कौवा वह उड़ते उड़ते, अपने पहला से अपने मुद्दा समझी लिए कि प्यासा कौवा पानी के लिए इधर उधर भटकना, घड़े में पानी देखना, पानी में बहुत नीचे होना, पानी ऊपर लाने के लिए उसने उपाय सोचा यानी कि युक्ति सूझी, घड़े में उसने कंकड़, कंकड़ यानी कि काकड़ा, कंकड़ डालना, पानी ऊपर आना और प्यास बुझाना, उसके बाद परिणाम क्या होता है तो देखेंगे। तो एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी, कौवे को क्या लगी थी, प्यास, उसे पानी के लिए बहुत तलाश की, कौवे ने पानी के लिए बहुत तलाश की पर उसे कहीं पानी मिला नहीं। आगे देखना, आखिर उड़ते उड़ते वो एक झोपड़ी के पास, कुटिया के पास जा पहुंचा, झोपड़ी के बाहर उसको एक क्या दिखाई दिया, यहाँ पे देखो उसके पानी या घड़े, तो झोपड़ी के पास उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में थोड़ा सा पानी था, बहुत कम था, तो घड़े में पानी तो था लेकिन कैसा था, बहुत कम था, पर वह बहुत नीचे था यानी कि वो पानी घड़े में था लेकिन बहुत नीचे था और बहुत कम था। उसने कई बार कोशिश की चांस से पीने की, बहुत बार कौवा ने पानी पीने की कोशिश की मगर वह चोंच उसके पानी तक पहुंचे नहीं। आखिर उसने इधर उधर देखा, तो अब क्या किया, उसने इधर उधर देखा तो घड़े के पास कंकड़ पड़े थे, घड़े के पास क्या पड़े थे, कंकड़, कंकड़ यानी कि काकड़ा। तो उसने क्या किया उसके बाद में कि घड़े के पास कंकड़ पड़े थे, उन्होंने देखकर कौवे के मन में कुछ विचार आया, कुछ युक्ति आई, यहाँ पे देखो कुछ उपाय सोचा उसने, फिर उसने वो कंकड़ उठाकर अपने चोंच से कंकड़ उठाकर वह घड़े में डालना शुरू किया। जब उसने डालना, वो घड़े में डालना कंकड़ शुरू किया तो वह घड़े में कंकड़ गिरने से वो पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा और कौवे के पानी, और क्या किया, कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, तो उसने घर में प्यास बुझा ली, तो उसे क्या सीख मिलती है, परिणाम क्या मिला, तो मुसीबत में अक्ल से काम लेना चाहिए। हम भी मुसीबत जब भी आए तब हम अक्ल से यानी कि बुद्धिमान से काम लेना चाहिए। तो यह कहानी है प्यासे कौवे की। तो यह वाक्य आपको बना के लिखना है नोटबुक में, काफी में लिख कर तैयार करना है। अस्तु।